क्वेश्चन नंबर 10, अ यूनिफॉर्म रॉड इज केप्ट वर्टिकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एट अ पॉइंट ओ। तो देखो भाई, ये ऐसा हॉरिजॉन्ट, थोड़ा इमेजिन करेंगे अपन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है ये सरफेस, और एक रॉड ऐसे रखी हुई है यहाँ पर वर्टिकली, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट को अपने को ओ बोल रखा है। आगे, इफ इट इज रोटेटेड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, इट फॉल्स डाउन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी सोचो, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करके या पुश करके छोड़ दूं, तो क्या होएगा, रॉड नीचे आते जाएगी, है ना, घूमते भी जाएगी और नीचे भी आते जाएगी। पर सोचो भाई, इस रॉड पे केवल एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है नीचे ऊपर की तरफ, और एक एमजी लग रहा है, दोनों वर्टिकल फोर्स है। किसी भी, मान लो थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसी हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी केवल एमजी लग रहा है नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। कहने का मतलब, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अब हर मोमेंट पे अगर केवल वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, और इनिशियली जो है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो कहां पर है, रेस्ट पे है, तो फाइनली भी वो रेस्ट पे रहेगा, और जहां पर है वो एक्स एक्सिस में, वहीं पर रहेगा, क्योंकि उसका मोशन ही नहीं है। तो सोचो, जब ये रॉड पूरी नीचे ऐसे लेट जाएगी, मान लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा, पहले सेंटर ऑफ मास कहां पर था भाई, यहां पर था, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। यहां से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ मास का केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हुआ है, एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुआ है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो बस भाई, अब क्या बोला हुआ है, लोअर एंड कहां पर होगी, तो मान लेते हैं ये रॉड ए है, मतलब ए बी रॉड है, और ये लेटने के बाद कैसी हो गई, ये ए पॉइंट इधर आ गया और बी पॉइंट इधर आ गया, तो बी जो है वो लोअर एंड है, साफ साफ दिख रहा है, वो ओ से कितनी दूरी पे है, L/2 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।